नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। इंडिगो प्लेन की कराची में लैंडिंग, शारजाह हैदराबाद फ्लाइट को खराबी के बाद उतारा गया। दो हफ्ते पहले स्पाइसजेट का प्लेन भी यहीं उतरा था। इंडिगो की शारजाह हैदराबाद फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते पाकिस्तान की कराची में लैंड कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पायलट ने एयरक्राफ्ट में ये खराबी नोट की। इसके बाद प्लेन को कराची में लैंड कराने का फैसला लिया गया है। फिलहाल एयरपोर्ट पर इस विमान की जाँच की जा रही है। इंडिगो के मुताबिक यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। पैसेंजर्स को कराची से वापस लाने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। पिछले दो हफ्ते में कराची में भारतीय एयरलाइन की यह दूसरी लैंडिंग है। इससे पहले स्पाइसजेट के प्लेन को भी तकनीकी खराबी की वजह से कराची में उतारना पड़ा था। पिछले गुरुवार 14 जुलाई को दिल्ली से वडोदरा जा रहे एक इंडिगो की फ्लाइट 6E859 की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। बताया गया था कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर इसकी आपात लैंडिंग कराई गई थी। 14 जुलाई को ही दिल्ली से मणिपुर की राजधानी इम्फॉल जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट 6E2615 को खराब मौसम के चलते कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा था। इस विमान में 141 यात्री सवार थे। 5 जुलाई को एक दिन में स्पाइस जेट के दो हादसे टले। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।